मंगलवार की रात अचानक कलमना इलाके में हड़कंप मच गया। वजह थी कलमना रोड पर चल रहे नेशनल हाईवे उड़ान पुल। जी हाँ, कल रात करीब 9 बजे के करीब इसी उड़ान पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और परिसर में हड़कंप मच गया। इस हादसे को अब काफी समय बीत गया हो, मगर इस मामले को लेकर राजनीतिक पक्षों की ओर से आंदोलन का सिलसिला जारी है। कल की रात जब पार्टी परिसर के लोग फुर्सत की सांस ले रहे थे, तभी रात 9 बजे के करीब एक आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो नेशनल हाईवे द्वारा बनाए जा रहे उड़ान पुल का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई, मगर इस मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी आक्रामक हो गई है। एक और शिवसेना ने कलमना परिसर में आंदोलन किया तो वही राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से नेशनल हाईवे ऑफिस के सामने आंदोलन किया गया। राष्ट्रवादी की ओर से कलमना परिसर में चल रहे कामों का निषेध किया, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। राष्ट्रवादी के इस आंदोलन के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह तैयार दिखाई दी। पुलिस ने बड़े ताफा का बंदोबस्त लगाया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस्तीफा देने की मांग भी की। शेकडो एक्सिडेंट झाले, शेकडो मृत्युमुखी पडले, त्याच्यासाठी माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी हा तत्काळ येऊन 450 कोटीचा भूमी कुलाचं त्यांनी भूमिपूजन केलं आणि तो भूमी 7 वर्ष होऊन सुद्धा तो पूल अद्यापर्यंत बनला नाही। आता जर तो बनला असता अंडर कन्स्ट्रक्टेड पूलच हा आज पडला तिथे, त्याच्यामुळे आज तिथे किती लोक मृत्युमुखी पडले असते। आज आम्हाला ह्या जी घटना घडली, जे निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे, तर आदरणीय नितीन गडकरी साहेबांनी आपला इस्तीफा ह्या कारणाने द्यावा। मी आम्ही 3.5 वर्ष पहिले दुनेश्वर भाऊ पेठे आणि मी यांना म्हटलं होतं की तुमचं निकृष्ट दर्जाचं काम आहे, ताबडतोब त्या एजन्सीला तुम्ही सस्पेंड करा आणि त्या जे कोणी अधिकारी असतील त्यांच्यावर कारवाई करा। पण या अग्रवाल साहेबांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून जी माया जमवली आहे, या लोकांकडनं ते पैसे घेऊन त्याचं ऑडिट न करता निकृष्ट दर्जाचं काम याला NHAI ने केलेलं आहे, त्याच्यामुळे अग्रवालवर FIR करून त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावे आणि जी संचेतीची कंपनी आहे त्या कंपनीला ताबडतोब सस्पेंड करून त्या कंपनीवर सुद्धा FIR नोंदवावा अशी आमची मागणी आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों से चर्चा कर इस हादसे में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।